हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियोस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और कमाल वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है आपका तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सेकेंड खिलाफत मूवमेंट और उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलॉन्ग विद इट्स विड्रॉल। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई बटन पे मैंने प्रीवियस वीडियोस का लिंक दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुरू करने से पहले फिर से आपसे कहूंगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर करिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट सारी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जैसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाने का ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव यही था कि उन्होंने जो अपने फॉल्स प्रॉमिसेस किए थे इंडियंस के साथ कि मैं आपको प्रोविंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट दे दूंगा, मैं सारी चीजें इंडियंस के हाथों में हैंड ओवर कर दूंगा, वो सारे फॉल्स प्रॉमिसेस वो तोड़ना चाहते थे। और वो तोड़ने के लिए उन्होंने एक पूरा नया ड्राफ्ट तैयार कर दिया जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का नाम दिया गया। एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है मॉन्टेक्यू चेम्सफोल्ड रिफॉर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन है, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो पहला पॉइंट होगा यहां पर, द ब्रिटिशर्स सेपरेटेड द एग्जीक्यूटिव इनटू डिफरेंट पार्ट्स। यहां पर एग्जीक्यूटिव जो था उसको ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट पार्ट में तोड़ दिया और कुछ सब्जेक्ट्स जो थे उसको और ज्यादा उन्होंने इंडियंस के हाथों में दे दिया। लेकिन अब यहां पर उन्होंने दो कैटेगरीज डिवाइड कर दी, एक तो जनरल सब्जेक्ट्स और दूसरे रिजर्व सब्जेक्ट्स। जनरल सब्जेक्ट्स में उन्होंने सारे आम मुद्दे जो डे टू डे लाइफ के थे वो दे दिए, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, जहां पर पैसे, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर, जहां पर आर्मी, जहां पे पुलिस से रिलेटेड मैटर थे, सब के सब रिजर्व कर दिए और उसको उन्होंने पूरी तरह से अपने पास रिजर्व रख लिया। तो इंडियंस को एक तरह से आई वॉश का काम हुआ। सेकंड, यहां पर बायकैमरल लेजिस्लेशन की स्टार्टिंग हुई फॉर द फर्स्ट टाइम। बायकैमरल लेजिस्लेशन मतलब जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुनाव अलग से स्टार्ट किए गए। थर्ड, जनरल पब्लिक के लिए वोटिंग स्टार्ट की गई और जनरल पब्लिक को वोटिंग राइट्स दिए गए। फोर्थ, यहां पर फिर से माइनॉरिटी पॉलिटिक्स खेली गई और कम्युनलिज्म को और बढ़ावा देने के लिए सीट्स को रिजर्व कर दिया गया और इस बार दायरा को और बढ़ाया गया मुस्लिम्स के साथ साथ सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियंस, पारसीज और दलित्स, इनके लिए भी जानबूझ के रिजर्वेशंस डालने की बात रखी जा रही थी, लेकिन अभी पूरी तरह से इस पे अमली जामा नहीं पहनाया गया। इसके बाद वॉइसरॉय कमेटी, उसमें तीन मेंबर्स अब इंडियन हो सकते थे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया। तो ये सारे फीचर्स थे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, मैंने पहले भी बताया, तरह का आई वॉश था। इस तरह से ब्रिटिशर्स केवल इंडिया को एक खाना पूर्ति करने के लिए चीज दे रहे थे, लेकिन इंडियंस ने इसका विरोध किया। अब देखिए नेक्स्ट मूवमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट नवंबर 1919 में स्टार्ट किया और इसको स्टार्ट करने वाले थे अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स जो थे ये बेसिकली मोहम्मद अली और शौकत अली की, इनका साथ दिया कांग्रेस के बड़े लीडर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और ये बेसिकली जो आपका मूवमेंट था इसको स्टार्ट करने का मेन उद्देश्य था टू शो द रियल फेस ऑफ द ब्रिटिशर्स टू द इंडियंस। बेसिकली क्या था कि यहां पर ब्रिटिशर्स जो थे वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स खेल रहे थे और वो चाह रहे थे कि वो मुस्लिम्स के साथ अच्छे बने रहे, मुस्लिम्स को दिखाएं कि वो सबसे बड़े मसीहा हैं मुस्लिम्स के, लेकिन असल में उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरे का पूरा ऑटोमन एम्पायर, जिसे खलीफेट भी कहते हैं, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया और मास स्केल में मुस्लिम्स को उन्होंने वहां पर मारा। इवन पीकॉक थ्रोन जो नादिर शाह यहां से लेकर गया था वो भी ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था और कोहिनूर ब्रिटिशर्स के हाथों में चला गया था। ये सारी चीजें जनरल पब्लिक, जनरल मुस्लिम
मुस्लिम्स को पता चले, इसीलिए खिलाफत मूवमेंट का स्टार्टिंग किया गया। नाम से ही पता चल रहा है खिलाफत मतलब कि किसी चीज को अपोज करना, और अपोज करना चाहते थे वो ब्रिटिशर्स को और उनकी पॉलिसीज को। सो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th ICSE में कि व्हाट वर द रियल मोटिव फॉर स्टार्टिंग द खिलाफत मूवमेंट। तो यहां पर था बिकॉज दे वॉन्टेड टू शो द रियल फेस ऑफ द ब्रिटिशर्स टूवर्ड्स द इंडियन, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है किसने इसको स्टार्ट किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में नवंबर के मंथ में इसको स्टार्ट किया गया था। शुरू करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन। अभी तक गांधी जी जो थे इंडिया में छोटे मोटे उन्होंने सत्याग्रह किए और छोटे मोटे आप कह सकते हो काम किए। अब यहां पर गांधी ने पहला बड़ा स्टेप लिया इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, और 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस के साथ मिलकर लॉन्च किया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन। अब यहां पर देखिए इसको सितंबर में लॉन्च किया गया था, 5th सितंबर 1920 में इसको लॉन्च किया गया, और इसके मेन जो मोटिव्स या एम्स रखे गए वो समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा गांधी जी वॉज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड ही वॉन्टेड दैट इट शुड बी रिमूव्ड। सेकेंड, ही वॉज अगेंस्ट द एट्रोसिटीज कंडक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स इन जलियावाला बाग। यहाँ पर जलियावाला बाग में जो ब्रिटिशर्स ने अपना क्रूएल इंसिडेंट किया, क्रूएल कांड किया, मैसेकर किया, उसके खिलाफ इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। थर्ड, गांधी जी वॉज अगेंस्ट द रौलत एक्ट, इन्होंने रौलत एक्ट को पूरी तरह से अपोज किया कि इस एक्ट को भी वापस लिया जाए। फोर्थ, गांधी जी वॉन्टेड टू क्रिएट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, दैट्स वाई ही मर्ज द खिलाफत मूवमेंट विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब गांधी जी चाहते थे कि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बहुत प्रमोट करें, इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को मर्ज कर लिया अलॉन्ग विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसके बाद नेक्स्ट, गांधी जी वॉन्टेड टू प्रमोट द अनटचेबल्स, जो अनटचेबल्स थे, जो अछूत वाली क्लास थी इंडिया में, वो बहुत बुरा था, गांधी जी को लगता था इनको हमें उठाना पड़ेगा, इनको अपने साथ लेना पड़ेगा, अदरवाइज इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकती कभी भी। इसीलिए उनके अपलिफ्टमेंट के लिए गांधी जी ने उन्हें हरिजन्स का नाम दिया और उनको भी अपलिफ्टमेंट की बात की। इसके बाद क्रिएटिंग द सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ गुड्स, मतलब यहाँ पर इन्होंने कहा कि सेल्फ रिलायंट मतलब खुद की ऐसी इकॉनमी बनाए जहाँ पर हम खुद पे डिपेंडेंट हो और खुद के गुड्स बनाए जहाँ पर हम ब्रिटिशर्स पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना हो। इसीलिए द चरखा बिकेम द सिंबल ऑफ द मूवमेंट, और सिंबल क्या बन गया, चरखा, ये स्पिनिंग व्हील, इसमें क्या था, कॉटन को स्पिन किया जाता था, और ये सेल्फ रिलायंस यानी कि इंडिया की आत्मनिर्भरता की कहानी बयान करता था। जब इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया लोगों ने जोर शोर से इस पे पार्टिसिपेट किया और पूरी अपनी आप कह सकते हो धन दौलत, अपना पूरा काम काज सब ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो गए। स्टूडेंट्स ने कॉलेज जाना छोड़ दिया, कॉलेज से रिजाइन कर दिया, लोगों ने अपनी जॉब्स छोड़ दी, विल वर्कर्स ने अपना काम छोड़कर बाहर निकल आए गांधी जी के सपोर्ट में, क्योंकि सबको लग रहा था कि अब गांधी जी हमें इंडिपेंडेंस दिला देंगे और ब्रिटिशर्स से हमें आजादी मिल जाएगी। बढ़ चढ़ कर सब गांधी जी का सपोर्ट कर रहे थे और ब्रिटिशर्स को भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हो रहा था, उनका कॉटन एक्सपोर्ट अराउंड 70% घट गया, और जो उनके प्रोडक्शन था जिसका वो लोग पूरा गुड्स बनाते थे उसको मंगा कर इंडिया में सेल करते थे उसमें भी ग्रेट रिडक्शन आ गया। लेकिन एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जो था आपका 5th फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 यानी कि 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट नाम का एक घटना हुई। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था समझ लीजिए, चौरी चौरा बेसिकली एक गांव है गोरखपुर के पास, एक ट्रेन भी चलती है चौरी चौरा एक्सप्रेस, आप लोगों ने सुना हो शायद। तो गांव था चौरी चौरा, इसमें 22 पुलिसमैन वर बर्नड अलाइव बाय अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स, 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया कुछ फार्मर्स के थ्रू, और इस वजह से गांधी जी बहुत आहत हुए और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का फैसला किया था। इसीलिए इसे विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसी वजह से विड्रॉल हुआ था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का। बेसिकली कहा यह जाता है कि असली घटना यह हुई थी कि पहले ब्रिटिशर्स ने शॉट किया था एक फार्मर को, क्योंकि वो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब एक फार्मर की डेथ हो गई उसके बाद फार्मर्स ने यह वायलेंट एजिटेशन किया जिसमें 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया और उनके आर्म्स भी लूट लिए थे।
लेकिन गांधी जी को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो सबसे पहले हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना पड़ेगा, और वॉयलेंट तरीके से हम कभी भी आज़ादी को पा नहीं सकते। इसीलिए गांधी जी ने इतना कहकर इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेना गांधी जी के लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बेसिकली गांधी जी की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से नीचे गिरी और इनको अरेस्ट भी कर लिया गया ओवर द चार्जेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट यानी कि द ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पर गांधी जी की पॉपुलैरिटी इसलिए भी घटी क्योंकि लोगों ने अपना घर बार अपना काम काज छोड़कर गांधी जी का साथ दिया, लेकिन गांधी जी ने बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया और ये बहुत बड़ा एक धक्का था लोगों के लिए क्योंकि उन्हें फिर उसी जगह जाना पड़ा जिसे वो छोड़कर आए थे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए। लाइक कर चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो चैनल को शेयर करिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें जिससे आपको लेटेस्ट सारी नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।